नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप अपना चेहरा देखकर या फिर दूसरों का चेहरा देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इसे क्या प्रॉब्लम है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों का अचानक से मुँह उतर जाता है, वो एकदम से मुरझाए से दिखाई देता है, या कई बार आपसे भी कई लोग अचानक पूछ लेते हैं कि क्या हुआ भाई, तू इतना मुरझाया सा क्यों है, या फिर तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है करके। तो ये एक्चुअली जो होता है वो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे शरीर में क्या एक्चुअली कोई बीमारी है, या फिर हमारे स्वास्थ्य पर अगर कोई मतलब नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो साइंस होते हैं वो हमारे चेहरे पर दूर से ही दिखाई देते हैं। मतलब हमारा चेहरा एक, मैं बोल सकती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य का आईना होता है जो हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। पुराने ज़माने के जो वैद्य होते थे वो तो हमारा नर्व्स और हमारा चेहरा देखकर ही पहचान जाते थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही साइंस की, कुछ ऐसे ही मतलब आपके चेहरे पर दिखने वाले लक्षणों की जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वैसे तो नॉर्मली गर्मियों में पसीना आता ही आता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि उनकी पूरी शर्ट वर्ट भीग जाती है, और या फिर पहले कम पसीना आता है और अचानक से उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर आपको अचानक से पसीना बहुत ज़्यादा इतना स्टार्ट हो गया है, तो वो जो होता है वो हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। अगर आपके किसी हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो आपको पसीना ज़्यादा आना स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर्स को भी देखा होगा, नॉर्मली वो हमारे आँखों के रंग को देखकर मतलब हमारे खून का पता एक्चुअली लगाते हैं कि हमारे शरीर में कितना खून है, शरीर में कमी तो नहीं है खून की। तो हमारे आँखों के कलर को देखकर और हमारे होठों के कलर को देखकर या फिर स्किन के कलर को देखकर, अगर किसी की येलो टाइप स्किन है, हो गई है अचानक से, या फिर कुछ टाइम से उसकी येलो टाइप स्किन हो गई है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया की प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। अगर किसी की त्वचा एकदम से फीकी पड़ गई है या फिर किसी का चेहरा उतर गया है, तो वो बीपी लो होने की वजह से फीकी पड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो हो गया है, चेहरे पर फीकापन आने का एक रीज़न डिहाइड्रेशन और थकान भी हो सकती है। वहीं पर दूसरा, कई बार देखा गया है कि महिलाओं में या किशोरियों में कई बार उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। मतलब नॉर्मली तो वैसे हल्के हल्के तो सबके होते ही है, लेकिन किसी के चेहरे पर एकदम बहुत ज़्यादा बाल हो या पहले ना हो अचानक से बाल आए हों, तो महिलाओं में और किशोरियों में इसका जो रीज़न होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की वजह से होता है, जिसे हम PCOD बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। आजकल हर 5 में से एक महिला इस बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी की वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल है या अचानक से आए हैं, तो अपने गायनी से ज़रूर संपर्क कीजिए, आपको PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्दियों में होठ कॉमनली ऐसे फट जाते हैं, और किसी किसी को अगर बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गर्मियों में भी उनके होठ फट सकते हैं। लेकिन आपकी अगर बहुत ज़्यादा अचानक से होठ फटने स्टार्ट हो गए हैं, उनमें एकदम से क्रैक पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पर साथ ही साथ जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड से जो ग्रसित होते हैं, उन लोगों के भी होठ बहुत ज़्यादा फटते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इन बीमारियों में भी होठ बहुत ज़्यादा फटने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें एकदम क्रैक आते हैं उनमें, और खून भी आ सकता है। अगर आपके नाक के और आँखों के नीचे रैशेज हो जाते हैं, नाक के इस वाले हिस्से पर या आस पास में, या फिर आँखों के नीचे अचानक से रैशेज हो जाते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में कम होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये जर्म रोग होने की शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं। वहीं पर कई लोगों के अगर ड्राई स्किन हो गई है, बहुत ज़्यादा त्वचा जो है रूखी हो गई है और बहुत ज़्यादा फटने लगी है, तो उससे पता चलता है शरीर की अव्यवस्था का,
यानी कि अगर पानी की कमी की वजह से भी वो हो सकता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से भी हमारी त्वचा रूखी हो सकती है, या फिर अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, उसे नहीं पता चला है, तो उनकी भी त्वचा एकदम से रूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और फटना स्टार्ट कर देगी। अगर हमने अक्सर कई बार देखा है कि कई महिलाओं के गले में, मतलब उनकी जो गर्दन होती है उस पर कई बार धब्बे उभर कर आ जाते हैं, अचानक से धब्बे उभर कर आ जाते हैं, तो इस स्थिति में अगर किसी महिला के गर्दन में धब्बे उभर गए हैं तो इसी स्थिति में हमें उसके थायराइड का चेक कराना चाहिए और PCOS का टेस्ट कराना चाहिए, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। कई बार चेहरे पर पफिनेस आ जाती है, कई बार चेहरे पर सूजन आ जाती है, आपने देखा होगा आंखों के नीचे कई बार किसी का चेहरा मतलब सूज जाता है या फिर उसके गाल सूजे सूजे से लगते हैं। वो तीन कारणों से होता है। पहला तो अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका चेहरा सूज। दूसरा अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में कोई दिक्कत होनी स्टार्ट हुई है तो उसकी वजह से चेहरे पर सूजन हो सकती है। तीसरा अगर आपके हृदय में, आपके हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है, वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी आपका चेहरा सूज सकता है। तो अगर आप पूरी तरह से नींद ले रहे हैं, आपकी मतलब नींद पूरी हो रही है, 6 से 8 घंटे तक आप नींद ले रहे हैं, फिर भी सुबह उठने के बाद या फिर आपका चेहरा सूजा हुआ रहता है, तो आप प्लीज़ जाकर अपने डॉक्टर से संपर्क कराइए, अपनी किडनी के टेस्ट कराइए और अपने हार्ट के टेस्ट जरूर करवाइए। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस जिनके द्वारा आप मतलब आप सिर्फ देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाकर ये वाले टेस्ट कराने चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।